महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होना चाहिए। जो आरक्षण दिया जा रहा है कास्ट वाइज और ये सारी चीज़ें खत्म करके हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए। मोदी जी की जो फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है। देश के भावनात्मक विषय थे जिनको उन्होंने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई है। इंदौर में चौथे चरण यानी 13 मई को चुनाव होंगे। हम मौजूद है शहर के बीचों बीच रीगल चौराहे पर, चौपाल पर, चाय पर चर्चा करने के लिए। कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद है अलग अलग प्रोफेशन के, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, 13 मई को चुनाव होना है इंदौर में, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? कई सालों से भाजपा बोलती थी कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, 20 साल से राज्य में सरकार है, फिर तो काम में कहीं रोक होना नहीं चाहिए, सारे MLA महापौर सब इनका है, अब ये कितना काम करते क्या करते और अभी तक इनने जो भी वादे करे कितना पूरा करा है जनता सब जानती है, आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निवेदन और जो कहा था कि राम मंदिर को लेकर कि राम मंदिर हमारी सरकार आएगी केंद्र में और प्रदेश में तो राम मंदिर बनाया जाएगा, और उनने अपने सरकार आते से ही सबसे पहला काम उनने पूरा करा, 370 धाराओं को लेकर, 3 तलाक को लेकर सभी शर्तों पर BJP उतरी। आगे क्या? आगे भी अपनी शर्तों पर उतरेगी और आगे इससे अच्छा और काम करके दिखाएगी मोदी सरकार। देश में क्या मुद्दे हैं, क्या और विकास की और किन किन बातों की आवश्यकता है? मोदी जी को लाइक बहुत करते हैं लोग, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी मोदी जी की जो फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है। तो जो मोदी जी का जो प्लस पॉइंट ये है कि चेहरा है उनका, और पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने मतलब 370 मतलब कांग्रेस की जो सरकार थी इतने साल उन्होंने शासन करा, मतलब डिवाइड एंड रूल का पूरा फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है ना, तो वो तो कुछ कर नहीं पाए। और जो भी हमने गाइडलाइन तय करी है, जो मोदी जी ने तय करी है, वो सारे आगे भी वो चीज़ करेंगे। वर्तमान सरकार से एक चीज़ तो निश्चित हुई है कि जो कहती है वह सरकार, जो उन्होंने कमिटमेंट, वो पार्टी, उनकी पार्टी जो पिछले 50 साल से जो कमिटमेंट करती आ रही थी धारा 370 को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर के, काशी विश्वनाथ को लेकर, मथुरा को लेकर के, तो ये देश के भावनात्मक विषय थे जिनको उन्होंने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। सरकार जिस प्रकार का GST कलेक्शन कर रही है पूरे देश के अंदर, अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से, और उन्होंने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है, इतना बड़ा लक्ष्य रखा है, उसकी तरफ बहुत तेज़ी से अग्रसर भी हो रही है, और उसका विकास हम कहीं ना कहीं अपने आसपास देख भी रहे हैं कि हम इंदौर जैसे शहर में मेट्रो देख रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन फेवरी व्यापारियों के अंदर एक जो तबका है जैसे इंदौर जैसे शहर है या बाकी और इस प्रकार के जो शहर है जो छोटे, जिसको मेट्रोपोलिटन के छोटे शहर हैं, इन शहरों में छोटे व्यापारियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के, आप लोग किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, कोई भी चुनाव हो, मुझे ऐसा लगता है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। इस 10 वर्षों में हमने मोदी जी की सरकार देखी, 10 वर्षों में हमने मोदी जी के कामकाज को भी देखा, 10 वर्षों में मोदी जी एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में उभर कर आए, और उनके जो सरकार के ऊपर कमांड होनी चाहिए वो भी पूरी कमांड थी, जिसके कारण पूरे देश में हमने देखा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और अगर मैं विकास की बात करूँ तो हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, हमारे देश 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गई है, और मोदी जी लगातार बोल रहे हैं कि मैं अगले कुछ वर्षों में इसे 3 विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत इनको लेके आऊँगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में नहीं होता था, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। महिलाओं की बात करें तो उज्ज्वला गैस योजना मिल रही है, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आयुष्मान योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है, आवास योजना के अंतर्गत मुझे भी लाभ मिला है। ऐसा देश में जो हितग्राही एक आम आदमी तक जो पहुंचना चाहिए वो आज लोगों तक पहुंच रही है। जी, आपका क्या मानना है, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के, युवा मतदाता क्या चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से आज़ादी के बाद से हमने देखा है कि जितने भी विपक्षी दल रहे हैं उन्होंने जाति और धर्म में देश को बांटने का काम किया है। मोदी जी की जो जितनी भी योजना अभी तक आई हैं 10 वर्षों में, उसमें बिना किसी भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ चाहे समाज के प्रत्येक वर्गों को मिला है। अगर हम स्टार्टअप की देखें तो आज 30 यूनिकॉर्न हमारे देश ने दिए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। 13 मार्च को इंदौर में चुनाव होना है, इस बार आप लोग की क्या मांग है सरकार से, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? सर, मेरा मानना ऐसा है कि मांग से ज़्यादा हमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और जैसे इंदौर में हम रहते हैं तो इसमें लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का शासन रहा है, तो उतनी ही सुदृढ़ता से महिलाओं का भी सशक्त भागीदारी होनी चाहिए। आपका क्या मानना है मैम, आप किस मुद्दों को लेकर जाएंगे इस बार चुनाव में, आगे बढ़ेंगे?
यहाँ महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई वो भी एक होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी जो आरक्षण दिया जा रहा है कास्ट वाइज और ये सारी चीज़ें ख़त्म करके हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए, अगर महंगाई पे भी फोकस किया करना चाहिए। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया इंदौर शहर के मतदाताओं की है, लेकिन जो अब मुख्य तौर पर बात है तो जो छोटे व्यापारी है, जो मध्यम वर्ग है, उस पर विशेष तौर पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।